हमारा प्लेनेट अर्थ जहाँ हम रहते हैं, यहाँ का वातावरण हम इंसानों के लिए काफी कंफर्टेबल है। वातावरण की वजह से ही हम सांस ले रहे हैं, खुली हवा में घूम रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी धरती से एक दिन अचानक वायुमंडल गायब हो जाए? जाहिर सी बात है कि बिना वायुमंडल के हम ज्यादा देर तक इस धरती में नहीं रह सकते। वायुमंडल के जाने से हमारा आसमान काले रंग का हो जाएगा और धरती बिल्कुल ही वीरान हो जाएगी, सभी जगह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ओजोन लेयर के ना होने से सन की लाइट डायरेक्ट जमीन पर पड़ेगी और धरती पे भारी नुकसान हो जाएगा। वातावरण के ना होने से ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसें धरती पर से खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन के ना होने से पानी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन में मिलने से वाटर बनता है। बिना पानी के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जो पेड़ अभी तक ऑक्सीजन दे रहे थे वो भी ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से अभी तक हमें ऑक्सीजन के चले जाने का पता नहीं था वो पता चल जाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। अभी जानवर मर जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, धरती अचानक से बंजर हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट में धरती का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। बंजर हुई धरती में उल्का पिंड की बारिश होगी, क्योंकि वायुमंडल उल्का पिंड को गिरने से पहले ही खत्म कर देता है। उल्का पिंडों के गिरने से धरती में बाढ़ आने का खतरा होगा, लेकिन बिना पानी के ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें कुछ दिन बचना है तो हमें ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि धरती से ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जितने भी जानवर मरेंगे वो सभी बिना बदबू के ही जल जाएंगे, क्योंकि धरती का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होगा। धरती का पानी अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। हमारी धरती उस समय में चली जाएगी जब डायनासोर का अंत हुआ था। अगर हमें इन चीजों से धरती को बचाना है तो हमें प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो का कोड है सेव आवर अर्थ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।